हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल की नमकीन। मूंग नमकीन हल्दीराम वाली जो मूंग नमकीन होती है, तो ये मैंने इसे 4 से 5 घंटे पानी में भिगोकर बेकिंग पाउडर डालकर पानी में भिगो दिया था 5 से 6 घंटे तक। और इसे मैंने टॉवल में साफ़ कर पोंछ कर अच्छे से ड्राई कर लिया है। अब इसे हम फ्राई करेंगे डीप फ्राई। इसके लिए मैंने कढ़ाई को गर्म होने को रख दिया है। गर्म होने के बाद इसमें हम ऑयल डालेंगे। इसे फ्राई करने के लिए आप किसी भी ऑयल का यूज कर सकती हैं, फॉर्च्यून मस्टर्ड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल। आप कोई भी ऑयल को यूज कर सकती हैं। मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। देखिए हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे इसे 2 से 3 चम्मच तक और इसे हम फ्राई करेंगे लो फ्लेम पर। देखिए हमारा बुलबुला उठना बंद हो चुका है। ये ऊपर तैर रही है, इसका मतलब ये हमारा पक चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे वरना ये ब्राउन कलर हो जाएगी। इससे पहले हमें निकालना होगा इसे। देखिए हमारा जो और भी था हम उसे फ्राई कर रहे हैं लो फ्लेम पर। अब हमारा ये भी फ्राई हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे। अब हम इसमें अपना मसाला ऐड करेंगे। इसमें हम डालेंगे रेगुलर खाने वाला हमारा नमक, थोड़ा सा डालेंगे हम काला नमक, काली मिर्च, और ये हमारा है जो चाट मसाला, ये आमचूर पाउडर, और आप चाहे इसमें रेड चिल्ली पाउडर भी ऐड कर सकती हैं। पर मूंग का दाल सिंपल ही होती है, वो सिंपल ही खाना बहुत अच्छा लगता है। तो ये आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है। ये मैंने धनिया पाउडर हल्का सा 1 पिंच डाला और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गरम गरम नहीं, मिक्स कर लें ताकि इसमें नमक अच्छे से चिपक जाए, कोट हो जाए। और उसके बाद आप इसे बंद करके कई दिनों तक रख सकती हैं और इसे कभी भी यूज़ करें। बहुत अच्छी टेस्टी बनी है। तो देखिए हमारी मूंग दाल की नमकीन तैयार है, बिल्कुल अच्छी है, टेस्टी बनी है। मैंने टेस्ट करके देख लिया। तो आप ज़रूर अपने घर पर बनाएँ और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ढेर सारे कमेंट्स करें। सो थैंक यू।